मिनीर भाई शुरू करें, आ गए थे शेख, आ गए लेकिन वीडियो नहीं चालू है उन्होंने। शेख वीडियो नहीं चालू करे, शायद वो प्रोग्राम शुरू होते होने की बात करेंगे। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, आवाज उनकी आवाज चालू, आवाज चालू करो उनकी। ये मेरे भाई आवाज उनकी शेख की बनती है तो मैं बंद है। हाँ अभी चालू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख आवाज आ रही है हमारी? जी शेख अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वीडियो बंद रखा हूं ताकि आप लोग प्रोग्राम शुरू कर लें, मेरी बारी आएगी तो नहीं, अभी हम लोग शुरू करने ही जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह। चलिए बिस्मिल्लाह, चलिए बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। कोहली 19 जुलाई 2020, हम सिलसिलेवार लेक्चर सीरीज का आगाज करते हैं। आज हमारा लेक्चर सीरीज नंबर 2 है। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमा इकराम, जद्दा दावा सेंटर हय्या सलामा के तुलबा और तालिबात, फेसबुक और यूट्यूब व्यूवर्स, प्यारे भाइयों और बहनों, हम जद्दा दावा सेंटर असलामा ममलकत सऊदी अरेबिया की तरफ से सिलसिलेवार लेक्चर सीरीज जूम ऑनलाइन के दूसरे लेक्चर में आप सबका दिलो जान से इस्तकबाल करते हैं और जूम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में शिरकत करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। वी वेलकम टू ऑल स्कॉलर्स, मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर टू जॉइन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑफ जद्दा दावा सेंटर असलामा सऊदी अरेबिया। हमारे आज के जो मुकर्रर शेख हैं वो शरीफा हैं, तशरीफ फरमा है, अपने तो अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को तो शेख का साउंड या आवाज कुछ भी नहीं आवाज आ रही है आप लोगों की। खुला है, बंदी मत करो। जी शेख अब आवाज आ रही है। जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। दीनी भाइयों, इस्लामी माँ और बहनों, वक्त हमारा हो चुका है। वक्त की तंगदामानी के सबब मैं फजीलत शेख हाफिज अब्दुल हसीब बिन अब्दुल अलीम का मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ आपसे।
आप रियासत कर्नाटक में बेंगलोर के नज़दीक एक मकाम है होसकोटा कर्नाटक में, वहाँ आपकी पैदाइश हुई। आपने जामिया दारुस्सलाम उमराबाद जनूब हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ दीनी दर्जगाह है, वहाँ से हिफ्ज़ कुरान किया, फिर आलिमियत और फजीलत भी आलिमियत और फजीलत जामिया दारुस्सलाम उमराबाद ही से आपने ये कोर्स भी किया है। उसके बाद मदीना यूनिवर्सिटी से आपने कुलियतुल हदीस शरीफ से बीए किया है। आप मोहताज तारुफ नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको तकरीर और तहरीर बोलने और लिखने दोनों मैदानों में बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। आप अपनी तदरीसी जिम्मेदारियों के साथ साथ मुल्क और बैरून मुल्क में मुख्तलिफ दीनी मिल्ली कॉन्फ्रेंसों दावती और इस्लाही प्रोग्रामों में इल्मी मौदूआत पर खिताब फरमाते रहते हैं। आपका सबसे पहला प्रोग्राम मैंने रियासत महाराष्ट्र के मशहूर शहर पुना से अहले हक का मनहज के उनवान से सुना था, उसी की बात से मैं आपके चाहने वालों में शुमार हो गया हूँ। आपने अपने अक्सर व बेशतर खिताबात में मनहज सलफ का खूब दिफा किया है और आज भी कर रहे हैं। आप मुल्क भारत में लॉकडाउन के मौजूदा नागुफ्ता बे हालात में बरवक्त उम्मत की बेहतरीन अंदाज से रहनुमाई का फरीजा भी अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमारी दुआ है कि वो आपकी जुमला खिदमात को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे, आपको सेहत और आफियत से नवाजते हुए सच्चा अकीदा खालिस ईमान की दौलत से अल्लाह ताला आपको मालामाल फरमाए, दीन और मिल्लत की मजीद दर मजीद खिदमत की तौफीक अता फरमाए। आपके असातिज़ा की फहरिस्त बड़ी तवील है, वक्त की किल्लत की वायस मैं सिर्फ इतना आपसे अर्ज कर दूँ, आपने जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से फरागत के बाद चंद साल जामिया मोहम्मदिया मंसूरा बेंगलोर में बहैसियत मुदर्रिस तदरीसी खिदमत अंजाम देते रहे। अब इस वक्त आप कुलियतुल हदीस अश-शरीफ बेंगलोर में बहैसियत उस्ताद तफसीर और हदीस तदरीसी खिदमत पर मामूर हैं। इसी तरह से जामिया मस्जिद अहले हदीस होसकोटा में आप खतीब भी हैं, फरमाए और बगैर किसी ताखिर के मैं फजीलत शेख अब्दुल हसीब उमरी मदनी हफिज़हुल्लाह से दावत सुखन देते हुए कहता हूँ कि फलयतफद्दल फजीलत मशकूरन व मअजूरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشياطين. بسم الله الرحيم. من كان يرجو لقاء رب فليعمل صالحا ولا يشرك رهيئا. अपने नौजवान भाइयों अर्लनशीन इस्लाम के साथ मुतआविन नौजवान भाइयों, सबसे पहले तो मैं अल्लाह तबारक व तआला का चाहता हूँ कि उसने दीन और ईमान की दौलत और नेमत से मालामाल करने के साथ ईमान की ज़िंदगी, इस्लाम पर अमल पैरा रहकर ज़िंदगी गुजारने का ये जो मौका अल्लाह ने अता फरमाया है,
ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा फजल है, बहुत बड़ा करम है, और ऐसे मुश्किल दौर में जब सारी दुनिया रुक सी गई है, थम सी गई है, अल्लाह ताला ने सीखने सिखाने का सिलसिला रुकने नहीं दिया। अल्लाह तबारक व ताला ने दीन जानने और दीन सीखने का जो शौक है उस पर रोक नहीं लगाई। एक दूसरे से फायदा उठाने, फायदा पहुंचाने का जो एक रास्ता है वो अल्लाह ताला ने बंद नहीं किया। दुनिया रुक सी गई है लेकिन खैर का ये दरवाजा, खैर का ये रास्ता खुला हुआ है, और आज अल्लाह के उसी फजल व करम का नतीजा है कि हजारों किलोमीटर या हजारों मील की मसाफतों के बावजूद हम और आप आज अपनी अपनी जगह रहते हुए भी इस मजलिस में एकजा हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये वक्ती हालात जो अल्लाह ताला की तरफ से यकीनन हमारे और आपके गुनाहों की पर तंबीह कहिए या गुनाहों पर अल्लाह ताला की तरफ से हमारी और आपकी सरजनिश कहिए, अल्लाह तबारक व तआला इस मुसीबत को या इस मुसीबत के दौर को, इस वबा के बाद जो सूरत हाल आई है, इसको अल्लाह ताला बहुत जल्द मामूल की तरफ लौटा दे, ताकि हम और आप जिंदगी के हर मैदान में हसब मामूल अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करते हुए एक पुरसकून जिंदगी गुजार सकें। आमीन। आज की इस मजलिस में मुझे आप हजरात और ख्वातीन के सामने जिस उन्वान को वाजह करना है, ये उन्वान नया नहीं है। बिदअत या बिदआत एक ऐसी इस्तिलाह है, एक ऐसा लफ्ज है जो हम और आप खुतबात में, दुरूस में, वाज़ो तकरीर में, बयान में, हत्ता के आपस की गुफ्तगू में तक हम बकसरत सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं। मुझे आज जो भी बात करनी है मैं वाज़े तौर पे आपके सामने ये कहना चाहता हूं कि कोई नई बात नहीं रखनी है, बल्कि वही पुरानी बातें इस जज्बे से रखनी है कि हम अपने आप का मुहासबा करें। इसलिए कि आदमी इल्म जो हासिल करता है, पहले पहल जब जाहिल या ला इल्म होता है, नावाकिफ होता है, तो उसकी मालूमात में इजाफा होता है, लेकिन मालूम शुदा हकीकत को आदमी फिर से पढ़ता है तो उसे या उसके पीछे मकासिद कई एक हो सकते हैं। या तो हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मालूमात की तजदीद कर लें, फिर से असर नौ उनको ताजगी बख्शें, या हम ये चाहते हैं कि इन मालूमात के जरिए हम अपना मुहासबा करें, हम देखें कि हमारी अपनी जो मालूमात पहले मालूमात के दर्जे में आई थी अब वो मामूलात के दर्जे में आई हैं कि नहीं आई हैं, यानी जो इल्म है वो अमल का रंग इख्तियार कर पाया है कि नहीं कर पाया है। ये मकसद होता है मालूम शुदा हकीकत को फिर से जो है जानने का, फिर से सुनने का। और यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई, कहा वदक्किर फइन्ना ज़िक्रा तन्फ़उल मुमिनीन। ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप याद दहानी फरमाइए कि याद दहानी मोमिनों को फायदा पहुंचाती है। कैसे याद दहानी फायदा पहुंचाती है? वो जब सुनते हैं तो अपने अमाल का मुहासबा करते हैं। पहली पहल जब सुनते हैं तो वो इसलिए सुनते हैं कि उनको जानना है, उनको वाकिफ होना है, उनको मालूमात इकट्ठी करनी, और फिर उसके बाद नियत होती है कि जो इल्म आएगा उसके मुताबिक आइंदा अमल करूंगा। ये इब्तिदा में होता है इंसान के साथ, लेकिन मालूम शुदा जो बातें होती हैं, जो मौजूआत होते हैं, जो हकीकतें होती हैं, उनको फिर से सुनने का मकसद या फायदा ये होता है कि हम अपने आप का मुहासबा करते हैं कि जो इल्म था वो मेरे अमल में किस हद तक आया है। हम अपने आप का मुहासबा करते जाते हैं कि कहां से हमसे चूक हो रही है। और आज ये उन्वान आपने देखा होगा, बिदअत या बिदआत, तो आप भी यही सोचे होंगे कि सुना सुनाया सा मौजू है, वही बातें होंगी। मैं आपके सामने पहले ही कह रहा हूं कि हाँ बातें वही होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके मकसद को सामने रखें कि हम अगर वाकिफ नहीं थे तो वाकिफियत हासिल करते हैं, लेकिन हम अगर जानते हैं तो हम अपने नफ्स का मुहासबा करते हैं, खुद का, अपने घर बार का, अपने समाज और मोहल्ले का,
अपने अतराफ व अकनाफ का, अपनी उम्मत मुस्लिमा के हालात का हम एक तरह से एहतिसाब करते हैं, हम अपना जायजा लेते हैं, अपने आप को परखने की कोशिश करते हैं, देखना चाहते हैं कि हम कहां खड़े हैं। मैं दो बातें फिलवक्त आपके सामने इब्तिदा में रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि अमल हमारा जो भी होगा उस अमल के काबिले कबूल होने के लिए जरूरी है कि वह अमल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआफिक हो। आप सभी हजरात ने यह बात सुनी है कि अमल की कबूलियत की जो शर्तें हैं या शराइत हैं, ईमान और इस्लाम के बाद आदमी के अंदर दो बुनियादी शर्तें होनी चाहिए अमल करते हुए। एक तो बंदे को उसमें मुखलिस होना चाहिए और दूसरी चीज उसका अमल सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताबकत रखता हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। दीन कुल का कुल इत्तिबा का नाम है, नक्शे कदम पर चलने का नाम, नक्श ढूंढना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पे हमसे आगे जा चुके हैं और आप जिस रास्ते पे गए हैं हर कदम आपका वाज़ह है बिल्कुल, और आपके पीछे आपके सहाबा भी आपके कदम से कदम मिलाकर चलते गए हैं, उनके ये नुकूश हमारे और आपके सामने अहादीस की शक्ल में, कुरान की तालीमात की शक्ल में, शरीयत इस्लामिया की हिदायत की शक्ल में वो नक्शे कदम है जो तय शुदा है हमारे सामने, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। दीन कुल का कुल इत्तिबा का नाम। तो मुख्तसर से अल्फाज में आप यूं कहिए कि हम और आपको अपने अमल को अल्लाह ताला के पास काबिल कबूल बनाना है तो हमें नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करना जरूरी है। यही बात अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह काफ की आयत के उस टुकड़े में बयान फरमाई जो मैंने अपनी गुफ्तगू के आगाज में आपके सामने पढ़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, उसको चाहिए कि अमल सालिह करे। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में ये बात लिखी है कि अमल सालिह से मुराद सुन्नत की मुआफ़क़त है और ये अमल की कबूलियत की दो शर्तों में से अहम एक शर्त है। यह अल्लामा इब्ने कसीर ने इस आयत की तफसीर में लिखा है। आप ये बात अच्छी तरीके से जान ले समझ ले कि अमल आप कितना करते हैं ये बाद में देखा जाएगा। आपके अमल में कैफियत किस कदर ज्यादा इखलास वाली है या इखलास के किस दर्जे में आपका अमल है या सानवी है, उससे पहले आपका अमल अमल है कि नहीं। इसलिए कि अमल का माना काम करना, वो तो हमने किया, लेकिन अल्लाह की नजर में अमल क्या है जिसके अंदर सुन्नत की मुताबकत पाई जाए। अब वो अमल अमल है कि नहीं है ये तय होना जरूरी है। और अगर ये ना हो, यानी हमने बहुत मेहनत की, बहुत कुछ काम किया, लेकिन अगर अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबकत ना हो तो फिर वो अमल रद्द कर दिया जाता है। मैं आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने यही बात बयान फरमाई का, नबी अलैहिस्सलाम ने यह बात बयान फरमाई, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, कि जो आदमी ऐसा अमल करे जो जिस अमल पर हमारा कोई हुक्म नहीं है, यानी हमारी हिदायत के मुताबिक नहीं है, दूसरे अल्फाज में सुन्नत से मुताबकत नहीं पाई जाती है, तो फहुवा रद्दुन, तो वो अमल मर्दूद है, वो आदमी मर्दूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई। मैं बात को मुख्तसर करने के लिए बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि ये एक पहली हकीकत है कि हमारा अमल हमें अगर आखिरत में सवाब दिलाने वाला चाहिए, हमें काबिल कबूल अगर अमल बनाना है तो फिर हमें सुन्नत की मुताबकत या मुआफ़क़त करनी चाहिए, एक बात। दूसरी तरफ आइए, अमल को काबिल कबूल बनाना ताकि हमें अजर व सवाब मिले, जहन्नम से नजात मिले, जन्नत की में दाखिला नसीब हो, जन्नत में ऊंचे दर्जे मिले, ये सारे के सारे वो मकासिद हैं जो हम नेक अमल करते वक्त अपने दिल और दिमाग में रखते हैं, एक बात। दूसरी तरफ मैं आपको इस पहलू से भी बात करना चाहूंगा, इसलिए कि ये पहलू अक्सर बेशतर लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। वो क्या है कि इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की जो सरबलंदी है, इज्जत की जिंदगी है, उनका अपना एतबार है, उनको जो सरबलंदी और दुनिया के अंदर
एक गलबा है या दुनिया के अंदर उनको लोगों के सामने एक इज्जत वाला मुकाम दिलाने वाली जिंदगी है, उसे ईमान के साथ जोड़ कर रखा है। अल्लाह ताला ने फरमाया وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, तुम ही सरबलंद रहोगे, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो जाओ। आम तौर पर एक बड़ी गलत फहमी का हम और आप शिकार हैं कि ईमान के नाम पर हमने कह दिया हम मुसलमान हैं, हम कलीमे के इकरारी हो गए, तो हमने गोया इस शर्त को पूरा कर दिया। नहीं, आज आप इस मसले को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं, मुसलमान होना। याद रखें, इस दुनिया के अंदर भी दीन से हमारा रिश्ता जितना सही और मजबूत होगा, और दीन से मुराद मुकम्मल दीन से रिश्ते की बात हो रही है, सिर्फ दीनी मिजाज हो, दीन को आप पसंद करते हो लेकिन दीन को अपने ऊपर नाफिज करने के लिए तैयार ना हो, तो भी फायदा नहीं होगा पूरी तरह। हम दीन के नाम पे सिर्फ इबादतों में हो जाएं, बाकिया चीजों में दीन ना रहें, पूरा फायदा नहीं मिलेगा। हम दीन के नाम पे अच्छे अखलाक वाले मुआमलात करने वाले बन जाएं, लेकिन अल्लाह की बंदगी से हमारा रिश्ता नहीं, हम फिर भी दीन पर पूरी तरीके से अमल पैरा नहीं हो रहे हैं। और यही ये बात भी याद रखें कि दीन के नाम पर दीन की सही शक्ल से हम नहीं जुड़े, यानी दूसरे अल्फाज में ये कहिए कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से मुआफकत हमने नहीं की है, तो भी हम और आपका इस दुनिया के अंदर सरबलंदी को पाना ये मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप और मैं एक बात नोट करते होंगे, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आज मस्जिदों की कमी नहीं है, आज दीनी जमातों की कमी नहीं है, पहले के मुकाबले में लोग कहते हैं, और हम भी देखते हैं ये बात हकीकत है कि लोग पहले के मुकाबले में दीन की तरफ आते नजर आ रहे हैं, शक्ल सूरत से लेकर मामूलात से लेकर बहुत सारी चीजें, चहल पहल दीन के नाम पे। आज कितने दावा सेंटर्स कायम है, मराकज कायम है, मसाजिद से कितना कुछ काम होता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया के अंदर हमें इज्जत और सरबलंदी क्यों नहीं मिलती, जबकि हम और आप इज्जत और सरबलंदी की बात करते हैं और अल्लाह ताला ने दीन से जुड़ने पर वादा किया। तो इसके बुनियादी तौर पर दो सबब है, आप ये बात याद रखिए, इसके बुनियादी तौर पर दो सबब है। अल्लाह ताला ने एक तरफ तो दुनिया में सरबलंदी के कुछ मादी असबाब रखे, उन असबाब का भी इख्तियार करना जरूरी है, मैं उस पहलू पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता कि मेरे मौजू का वो हिस्सा नहीं इस वक्त, लेकिन साथ में दूसरी वजह यह है कि हम दीन के नाम से जुड़े हैं, हकीकी दीन से अगर हम ना जुड़े, यानी दीन के नाम पर जो अमाल हम कर रहे हैं अगर वो सुन्नत रसूल से मुताबकत ना कर पाते हों, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सुन्नत को नहीं अपनाया तो गोया दीन को नहीं अपनाया। हमने अगर हमारे सामने आ जाए तो फिर यहां से मेरे अपने उन्वान का बाकायदा यूं समझिए कि आगाज होता है, और आपको समझ में आएगा कि क्यों मैंने कहा यह मुहासबे वाला दर्स है। मैंने क्यों कहा कि यह दर्स इल्म का कम है, मालूमात का कम है, कि पहले से जानी मानी हकीकतें, लेकिन ये मुहासबे का दर्स है। मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम और आप जिस मुकाम पर खड़े हैं, इंफरादी सतह पर मैं और आप अपनी अपनी जिंदगी में, अपनी अपने घरेलू जिंदगी में, समाजी और मुआशरती जिंदगी में, अपने बस्ती मोहल्ले में, हर जगह हम और आपको ये चीजें अपनी जिंदगी के अंदर लानी चाहिए, इसका ख्याल रखना चाहिए कि याद रखें आज के दौर का फितना दीन बेजारी ही का नहीं। लोग आमतौर पे बोलते हैं लोग दीन से बेजार होकर भाग रहे हैं, इस दौर का सबसे बड़ा फितना, यकीनन ये फितना है, इससे किसी को इनकार नहीं और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें, जहां एक तरफ दीन बेजारी फितना है, वहीं दीन की तरफ आने वालों का या दीन से जुड़े रहने वालों का दीन की हकीकी शक्ल यानी सुन्नत से न जुड़ना यह भी बहुत बड़ा फितना है, यह भी बहुत बड़ा अलमिया, और यह एक ऐसा अलमिया है, एक ऐसा बड़ा मसला है कि हम इससे अपनी दुनिया भी जाया कर रहे हैं और अपनी आखिरत में भी हम घाटे का शिकार होने वाले हैं। दूसरे अल्फाज में हम और आप यूं समझे, सुन्नत की जिद बिदत होती है। सुन्नत एक तरफ तो उसके अपोजिट बिलमुकाबिल बिदत होती है। अगर दीन के नाम पे सुन्नत को ना अपनाकर हमने बिदत को अपनाया है तो ये बिदत
मेरे और आपकी दुनिया का भी नुकसान कर रही हैं, ये मेरी और आपकी आखिरत का भी नुकसान कर रही हैं, और यहीं से हम और आप समझ लें कि बिदात का मामला किस कदर नाजुक मामला है। मुझे कहने दें कि हमारे समाज की जो सच्चाइयां हैं उन सच्चाइयों में से एक सच्चाई ये है कि बिदात शरीयत में जितनी शरीयत की नजर में जितना बड़ा जुर्म है, हमारे और आपके समाज में बिदअत उतना बड़ा जुर्म नहीं समझा जाता। कई जगह तो बिदअत को जुर्म ही नहीं समझा जाता, और कई लोगों के पास, कई जमातों के पास, कई अफराद के पास, कई लोगों के पास अहले इल्म में से बसा औकात ऐसा होता है जो अपने आप को अहले इल्म के जुमरे से जुड़ा हुआ देखते हैं, कहते हैं हम उलमा हैं कि बिदअत का जो दर्जा अल्लाह ताला ने शरीयत इस्लामिया में रखा है, जो कबाहत उसके अंदर रखी है, वो कबाहत इनकी अपनी जिंदगी में देखने को नहीं मिलती। हम और आप बिदात के मसले को इस पूरे पस मंजर में देखें, मैं बात को ज्यादा फैला नहीं सकता। मैंने कहा एक मोमिन की दुनिया और आखिरत, यही तो मोमिन चाहता है। अल्लाह ने कहा ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मोमिन एक दुनिया भी अच्छी चाहता है और आखिरत की हकीकी कामयाबी भी वो चाहता है, और दोनों जगह कामयाब होने के लिए उसे बिदात से भागना चाहिए। आपको मैं बताऊं, सलफ सालिहीन की जिंदगियों में आप देखिए, और आज ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूं, आज अगर आपके सामने मैं कह दूं बड़े बड़े गुनाहों का नाम लेकर फला शराब पीता है, महसूस कीजिए आपके दिल में उसके तई नफरत का जो दर्जा ग्राफ आपका बढ़ता है वो कितना है। अल्लाह महफूज रखे किसी के बारे में आपको कहूं मैं कि फला कत्ल कर रहा है, कातिल है, तो उसके तई आपके दिल में नफरत का कितना जज्बा आएगा। मैं अगर कहूं ये आदमी सूदखोर है, नफरत का कौन सा दर्जा होगा, क्या ग्राफ होगा। मैं अगर कहूं आपसे फला आदमी बदकार है, जिनाकार है, आपके दिल में नफरत का कौन सा दर्जा आएगा। मैं आपसे कहूं ये आदमी चोर है, आपके दिल में नफरत का कौन सा दर्जा आएगा। मैं आपके सामने गुनाह पे गुनाह गिनाते जाऊं और आप अपने दिल में महसूस करें कि आपके दिल में नफरत का कौन सा दर्जा आएगा, और उसके बाद मैं कहूं फला आदमी के अंदर ये एक बिदअत पाई जाती है, आप देखिए कि आपके दिल में नफरत का कौन सा दर्जा आएगा। मेरे मुशाहदे की बुनियाद पे मैं कह रहा हूं, किसी पे कोई एक तरह का तबसरा नहीं, कि हमने तो ये देखा है कि ये भी जुर्म है, गुनाह है, यकीनन अल्लाह की नाफरमानी है, लेकिन लोगों के नजदीक बिदअत या बिदअत से जुड़े शख्स के बारे में जब जिक्र आता है तो लोग उसके तई एकदम जो है हल्का सा महसूस करते होंगे, तो बहुत मामूली सा एहसास उनके अंदर जागता हो कि हाँ ये आदमी गलत कर रहा है। वो जो नफरत और नाराजगी का जज्बा, ये बड़े बड़े गुनाह या दीगर गुनाहों से जुड़े अफराद का तज़किरा आए तो लोगों के अंदर पैदा होता है, बिदात या अहले बिदात का तज़किरा आए तो वो कैफियत लोगों के अंदर नहीं पैदा होती। ये अपने आप में बहुत बड़ा खलल, ये अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी है, ये दीन से लाइल्मी का नतीजा है, ये हमारे समाज की सच्चाई है। सलफ की जिंदगी इसके बरक्स थी, सलफ के नजदीक बिदात भी और जो गुनाह होते उसमें इंसान के लिए उदर करते कि शायद नफ्स गालिब आ गया, शैतान गालिब आ गया, लेकिन बिदात के मामले में सलफ सालिहीन बहुत ही ज्यादा संजीदा मौकिफ इख्तियार किया करते थे। वजह क्या है, वजह यह है कि उनके अपने जो स्टैंड होते थे, मौकिफ जो अपनाते थे, स्टैंड लेते थे, वो फिक्र बसीरत इल्म की बुनियाद पर होते थे, और हमारे और आपके जो मामलात हैं, हम जज्बात पे चलने वाले लोग हैं, इल्म की रोशनी में चलने वाले, इल्म की रहनुमाई में चलने वाले कम हैं हम और आप। तो ये जो सूरत हाल हमारे समाज में है कि हम बिदअत को गलत नहीं समझते या गलत समझते तो उस दर्जा बुरा नहीं समझते जिस दर्जे में शरीयत ने उसे गलत करार दिया है, ये वो मसला है जिसके एहतिसाब की आज मैं आप हजरात और ख्वातीन को दावत दे रहा हूं। जो पैगाम मुझे आपके सामने देना है वो यही, हम और आप इस हकीकत को समझें कि बिदअत का मामला कोई मामूली मामला नहीं, आदमी का अमल सुन्नत से जितना हटेगा उसी कदर ज्यादा आदमी बिदअत की तरफ बढ़ता जाएगा। मैंने बात शुरू की सुन्नत की मुआफ़क़त की इसीलिए कि जिस हद तक सुन्नत से आदमी हटेगा, दीन के नाम पे करने वाला हर काम सुन्नत से जितना हटेगा उसी कदर वो बिदअत कहलाता जाएगा।
और आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम दीन पसंद नहीं, हम दीन पसंद बन रहे हैं, दीन पर अमल करने वाले नहीं बन रहे। दीन पसंद होना आसान है, दीन का पाबंद होना जरा मुश्किल है। और उससे आगे की बात, दीन के पाबंद होना, दीन के नाम पे जो अमाल हमारे समाज में, उनका पाबंद होना निस्बतन आसान है, लेकिन बिदात से पाक हकीकी सुन्नत के मुताबिक जो दीन है उससे जुड़ना, ये असल में मेरी और आपकी आजमाइश है। मेरे भाइयों, मैं अक्सर अपने दर्स में जब भी इत्तिबाए सुन्नत की बात आती है तो ये बात मैं जिक्र करता हूं और आज आपके सामने फिर से कह रहा हूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में लोगों का इम्तिहान ये था कि आबा व अजदाद की तकलीद, आबा व अजदाद के रसूम और रिवाज, आबा व अजदाद के अकायद, आबा व अजदाद के अफकार और नजरियात थे, और उनके मुकाबले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदा शख्सियत थी। आपकी शख्सियत को देखकर, आपकी हक्कानियत को देखकर, आपके अंदर पाए जाने वाले हक की अलामात को देखकर लोगों को दावत ये थी कि अपने इन खोखले जो नारे हैं कि हम अपने आबा व अजदाद के नक्श कदम पर चलते हैं, इसे छोड़कर उसे अपनाना उस जमाने की आजमाइश थी। तो आज के जमाने में जरा सी शक्ल बदल जाएगी तो ये हमारी और आपकी आजमाइश है कि लोगों के अंदर रिवाज पाई हुई चीजें, लोगों के अंदर आम होने वाली चीजें, बिदात रसूमात वगैरह ये सब होंगी, इनके मुकाबले में नबी अलैहिस्सलाम की रोशन सुन्नत हमारे और आपके सामने होगी। मेरा और आपका इम्तिहान ईमान के बाद, उस जमाने में ईमान का इम्तिहान था, हमारे और आपके ईमान के बाद अब ईमान का सानवी इम्तिहान या अमल का दूसरा इम्तिहान हमारा और आपका ये है कि हम इन बिदात से बचकर कैसे सुन्नत को अपनाते। ये असल में मेरी और आपकी आजमाइश हमारे समाज में बिदत के हवाले से। ये बहुत बड़ी कमजोरी ये है कि लोगों ने बिदात के मामले को उतना संगीन नहीं समझा जितना वो अल्लाह की नजर में नापसंदीदा है, जितना वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद था, जितना के सलफ सालिहीन की नजर में सही इल्म की रोशनी में उसका दर्जा था। आप यकीन करें कि इनमें से कोई चीज हमारे समाज के अंदर उस दर्जे तक नहीं पहुंच पा रही है जिस दर्जे में सहाबा के पास थी। मैं आपको बताऊं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दो असर मैं आपके सामने नकल करता हूं ताकि आप इस जो मुआजना मैंने कहा ना कि गुनाह का दर्जा या गुनाह कबीरा को हम जितना बुरा समझते हैं, बिदअत को उसके करीब भी नहीं समझते हैं, इसकी फिक्र, इसकी समझ हम हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु के दो आसार की रोशनी में देखते हैं। ये एक असर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का जो गुनाहों के बारे में फरमाते, कहते हैं मोमिन और मुनाफिक का फर्क यह है कि मोमिन गुनाह करने के बाद इतना डरा रहता है अपने गुनाह की सजा मिलने या गुनाह का की पकड़ से कि वो ऐसे डरता है जैसे किसी चट्टान के नीचे बैठा है जो चट्टान किसी भी लम्हे उसके सर पे आके गिर सकती है, किसी भी लम्हे उसके सर पे आके गिर सकती है, ऐसी ऐसा खौफ उसके अंदर होता है। और मुनाफिक का मामला ये है कि वो गुनाह को अपने उसी नजर से देखता है जैसे नाक पे मक्खी बैठी हो और उसने यूं करके उड़ा दिया हो, बात खत्म हो गई हो। मतलब ये है कि एक सच्चा मोमिन अपने गुनाहों की तरफ से बहुत चौकन्ना रहता है और जो हो गए गुनाह उनकी पकड़ जो अल्लाह की तरफ से हो सकती है उसकी तरफ से सख्त खौफ जदा होता है। इससे समझ में आता है हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की फिक्र दीन को लेकर इस कदर ज्यादा गहरी है कि वो एक गुनाह के एक इंसान की जिंदगी पे कितना असर हो सकता है वो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, बतला रहे हैं। और यही अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आपको समझा रहे हैं, मुझे समझा रहे हैं, सारी दुनिया को समझा रहे हैं कि अल बिदअत अहब्बु इला शैतान मिन अल मासिया, कि बिदअत गुनाह से ज्यादा गुनाह से ज्यादा पसंदीदा है शैतान के नजदीक। शैतान बिदअत को गुनाह से ज्यादा पसंद करता है, यानी वो गुनाह जो गुनाह है जैसे मैंने गिनाई अभी फहरिस्त आपके सामने, चोरी है, कत्ल है, जिना है, झूठ है, आदमी का जो है सूदखोर होना है, आदमी का किसी पे जुल्म करना, जबरदस्ती, गुनाहों की फहरिस्त तो काफी लंबी। शैतान को ये गुनाह बहुत पसंद है, बंदा जब भी नाफरमानी करता है वो खुश होता है, अल्लाह की नाफरमानी होते देखकर उसे खुशी होती। लेकिन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद कहते हैं कि शैतान को बिदअत गुनाह से ज्यादा पसंद है। इसका दूसरा मतलब यह हुआ कि अल्लाह ताला की नजर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की रोशनी में बिदअत
मासियत से ज्यादा नापसंदीदा है, बिदअत गुनाह से ज्यादा नापसंदीदा। अब यहां इसी असर को लेकर हम और आप देखें, पता लगाएं क्या हमारे समाज में भी बिदअत गुनाह से ज्यादा नापसंदीदा समझी जाती है, गुनाह से ज्यादा उस लोग उससे डरते हैं, एहतियात करते हैं, बचने की फिक्र करते हैं। सच ये है कि एक बड़ी तादाद ऐसी है वो बिदअत का लफ्ज जानते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में कभी उन्होंने किसी अमल को बिदअत समझा हो ऐसा तो नजर नहीं आता। कभी कभार ताज्जुब होता है, दिल करता है ऐसे बाज लोगों को पकड़कर बिठाया जाए और बिठाकर उनसे पूछा जाए कि अल्लाह के बंदे तुझे मालूम है कि शरीयत इस्लामिया में एक चीज है बिदअत, मालूम है? ज़ाहिर बात है वो कहेगा कि बिदअत है। तो उसी से पूछ लिया जाए कि अच्छा बताओ क्या इस वक्त जमाने में कुछ बिदअतें हैं भी कि नहीं, यानी बिदअत को भी सुन्नत करार देने का इतना जज्बा, ऐसा लगता है बस औकात उनके नजदीक बिदअत सिर्फ किताब में लिखा ये जुमला है, जमीन की कोई सच्चाई नहीं। इस हद तक लोग उन्होंने अपनी बिदअतों को अपने अंदर रचा लिया है, बसा लिया है। मेरे भाइयों ये सूरत हाल बदलनी चाहिए, ये सूरत हाल बिल्कुल बदलनी चाहिए। और ये जब तक नहीं बदलेगी ना, मैंने साफ लफ्जों में आपसे कहा है दुनिया के अंदर सरबुलंदी की जब हम बात करते हैं वो भी हाथ नहीं आएगी, और अल्लाह के पास अमल कबूल हो उसकी बरकतें दुनिया में मिले और आखिरत में हम और आपको अजर मिले ये भी नहीं होगा। बिदअत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, बिदअत दुनिया का बहुत बड़ा धोखा है। क्यों? देखिए आदमी बेअमल है, शराबी शराब पी रहा है, उसे मालूम है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो पीते पीते भी दिल में कहीं उसकी कराहत महसूस करता होगा, बस नफ्स गालिब होगा। चोरी चोर चोर चोरी करता होगा, उसका नफ्स उसे कछोके लगाता होगा। एक आदमी कोई भी गलत काम कर रहा होगा, गलत बात कर रहा होगा, दिल में कहीं ना कहीं अगर जमीर जिंदा है तो हल्की सी कसरत पैदा होती होगी। ऐसे लोग तौबा करते हैं, बुराई करते हुए बुराई समझ कर करते हैं, और इसके मुकाबले में बिदत बिदती एक ऐसा मामला है कि वो अमल कर रहा है और अपनी जगह पे मस्त है कि मैं तो बहुत अच्छा अमल कर रहा हूं, इस तरह सबसे पहले खुद धोखा दे रहा है। बिदती धोखेबाज है, एक ऐसा धोखेबाज जो दूसरों को नहीं खुद को सबसे पहले धोखा दे रहा है, अपने नफ्स का धोखेबाज है बिदती। बिदती इंसान खुद को धोखा दे रहा है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कितनी प्यारी ताबीर, कितने प्यारे अल्फाज में उसको समझाया, الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا, दुनिया में की गई उनकी सारी मेहनत अकारत जाएगी, हालांकि वो अपनी जगह समझते थे कि हम बहुत कुछ अच्छा करके जा रहे हैं। खुद फरेबी में मुबतला थे, खुद को धोखा दे रहे थे, धोखेबाज थे जो अपने आप को धोखा दे रहे थे। दीन के नाम पर वो कर रहे थे जिसका दीन से कुछ लेना देना नहीं था। हाजी ने गिरामी, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि बिदती इंसान जो होता है वो खुद को धोखे में रखकर जीने वाला इंसान, अपने आप को धोखे में मुबतला करके जीने मुबतला रखकर अपनी जिंदगी गुजारने वाला इंसान है। इस्लामी शरीयत की नजर में ऐसी जिंदगी ईमान वाली जिंदगी नहीं, मोमिनों की जिंदगी ऐसी जिंदगी नहीं हो सकती है। मैं आपके सामने ये बात भी जिक्र करना चाहता हूं कि बात आई है, मैं कुरान मजीद की आयात और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और सलफ के आसार उनको नकल करना चाह रहा था, लेकिन जैसे मुझे अंदाजा है कि ये मौजू काफी फैल जाएगा तो जो बुनियादी पैगाम है वो नहीं पहुंच पाएगा। मैं इस यकीन के साथ कि आपने इस मौजू पे बहुत कुछ पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, आपको सलफ़े सालिहीन के आसार भी बहुत सारे सुनने को मिले होंगे, आज उन सब से मैं एक तरह से अपने आप को रोक कर इन दूसरे पहलुओं की तरफ आ रहा हूं जो हमारे अंदर एहतिसाब की कैफियत पैदा करे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिदअत को हमारे समाज में इतना जो मामूली समझ लिया गया, और ये जो हमारे समाज के अंदर बिदअत का रिवाज है कि दीन के नाम पर बिदअतें ज्यादा हैं, सुन्नतें कम हैं, इसके पीछे एक बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे लोगों को बिदअत की हकीकत का पता नहीं, बिदअत है क्या ये नहीं पता, बिदअत है क्या इसका पता नहीं है। मैं बड़ी तेजी से यूं कहिए कि मुख्तसर करके आपके सामने कुछ बुनियादी बातें रखना चाहता हूं। बिदअत की तारीफ क्या है, बिदअत किसको कहते हैं? फनी एतबार से इमाम शातिबी रहमतुल्लाह अलैह ने बिदअत की तारीफ की,
دیگر اہل علم نے بھی بدعت کی تعریف کی ہے. میں ان سارے الفاظ کو یہاں دہرانے کے بجائے سادہ الفاظ میں بدعت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. بدعت کا مفہوم ہر وہ کام جو ثواب کی نیت سے کیا جائے یا اسے دوسرے الفاظ میں دین سمجھ کر کیا جائے حالانکہ ایسا کرنے کی کوئی اصل یعنی دلیل شریعت اسلامیہ میں نہ ہو, یہ بدعت کہلاتی ہے. اہل علم نے اس کی جو وضاحت کی ہے میں آپ کے سامنے وہ وضاحت رکھتا ہوں تو اس کی روشنی میں بات آسان ہوتی جائے گی. ایک بدعت ہوتی ہے جس کو بدعہ حقیقیہ کہتے ہیں, حقیقی بدعت, یا بدعت اصلیہ کہتے ہیں, بدعہ اصلیہ, بدعہ حقیقیہ, یعنی پورا کا پورا عمل سرے سے بے دلیل ہے, پورا کا پورا عمل بے دلیل ہے, شریعت اسلامیہ میں اس کی دلیل نہیں ہے. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس کا سرے سے شریعت اسلامیہ میں کوئی ثبوت نہیں ہے, آدمی اپنے طور پہ دین کے نام پہ کرنا شروع کر دے, یہ بدعت کہلاتی ہے. گرچہ دعویٰ کرنے والے کہیں کہ اس کی دلیل ہے, لیکن جب دلیل کی پرکھ کی جاتی ہے تو اس کا اس مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. تو لوگ گرچہ دلیل دیتے ہوں لیکن تحقیق کے بعد اگر اس مسئلے کی دلیل ان نصوص کے اندر, آیت یا حدیث کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ بدعت رہے گی, بے بنیاد عمل سرے سے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بدعت اضافیہ کہتے ہیں, بدعہ اضافیہ. یہ بدعہ اضافیہ جو ہے اس کو تھوڑا سا میں واضح کرتا ہوں. بدعہ اضافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا عمل ہوتا ہے کہ عمل تو ایک ہی ہے لیکن اس عمل کا ایک حصہ دلیل اس کی ملتی ہے, دوسرے حصے کی دلیل نہیں ملتی. عمل ایک عمل ہے, کئی اعمال کا مرکب نہیں, عمل ایک ہو رہا ہے لیکن اس عمل کا ایک حصہ جو ہے اس کی دلیل ملتی ہے لیکن دوسرے حصے کی دلیل نہیں ملتی. اہل علم نے اس کی مثال دیتے ہوئے کہا ہے اجتماعی ذکر کی مجلس قائم کرنا, اجتماعی ذکر کی مجلس قائم کرنا. ذکر کرنا اس کی دلائل بہت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذکر کرتے, صحابہ کو بھی ترغیب دلائی, قرآن کی آیتوں میں اس کا حکم ہے. ذکر کرنا اور ذکر مطلق ہو یا مقید, مقید کا مطلب مخصوص اوقات میں مخصوص عادات کے ساتھ مخصوص الفاظ کے ساتھ, یہ مقید کہلاتا ہے. اور ذکر ذکر مطلق عام ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا اس کی دلیل تو ہے اور یہ حکم ہے شریعت اسلامیہ کا. لیکن جو اس کا دوسرا پہلو ہے وہ ہے اجتماعی شکل میں بیٹھ کر ذکر کرنا. کیسے؟ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد کے اندر دیکھا, کوفہ کی جامع مسجد کے اندر یہ منظر دیکھا کہ لوگ اکٹھا ہے مسجد کے اندر, درمیان میں ایک آدمی بیٹھا ہوا, وہ لوگوں سے کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو, سارے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 100 مرتبہ. کہتا ہے حللو 100 مرہ, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو, 100 مرتبہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. پھر ان کو کہتا ہے کبیرو 100 مرہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ تفصیلی مختصر میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اس صورت حال کو دیکھ کے, والله لقد جئتم ببدعة ظلمة او سبقتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم علما, یا تو تم صحابہ سے زیادہ علم والے ہو گئے ہو جو کہ ممکن نہیں ہے, یا پھر تم ایک بدعت ایجاد کرنے پر یہاں اکٹھا ہو. یہ دیکھیے جو بدعہ اضافیہ کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا, اسے اصل میں جو سمجھنے کی ضرورت ہوتا ہے. لوگوں کو دھوکہ کہاں ہوتا ہے, لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ذکر ہی تو کر رہے ہیں اور ذکر تو قرآن و سنت میں ہے. آپ یہ سمجھیں کہ حکم لگانے والا ذکر کو بدعت نہیں کہہ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جب وہ حکم لگایا تھا ذکر کو بدعت نہیں کہا تھا, وہ جس پہلو کو بدعت کہہ رہا ہے وہ ہے لوگوں کا اجتماعی شکل میں جمع ہو کر اس طرح عمل کرنا جو کہ شریعت اسلامیہ میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا, یہ بدعت کہلاتی ہے. تو عام طور پر ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے, جب ہم بدعت کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ, ایک تو وہ ہیں جن کے نفس کی غلامی کرنا ان کا اپنا جو ہے مسئلہ ہوتا ہے, وہ نفس کے غلام ہوتے ہیں, ان کو اپنی نفس کی غلامی کرنا ان کی چھوڑیے. لیکن بہت سارے لوگ جو بدعت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پاتے وہ اس وجہ سے کہ ان کو یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے. یعنی بدعت اصلیہ عام طور پہ ہو سکتا ہے سمجھ میں آ بھی جائے, بھائی یہ کام ایسا کام ہے. جیسے ہم آپ کو بتاتے ہیں
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی مناسبت سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے, اس دن خصوصی طور پر مسجد کے اندر مجلس منعقد کرنا, بہت کچھ ہوتا ہے لیکن میں مسجد کے اندر مجلس خصوصی طور پر 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو خاص طور پہ, جو خاص طور پہ مجلس منعقد کی جاتی ہے میں اس کی بات کروں. تو سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی میں, صحابہ کی زندگی میں یہ خاص دن, صحابہ ویسے اللہ کے نبی کا تذکرہ کرتے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے واقعات کا تذکرہ کرتے, لیکن خاص اس دن اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے مسجد میں مجلس اکٹھا کر کے آپ کے فضائل و مناقب سننے سنانے کا اہتمام کرنا, یہ جو اس دن خاص طور پہ کرنے کی بات ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. یہ بسا اوقات لوگوں کو سمجھ میں آ بھی جائے, لیکن یہ بدعہ اضافیہ ہم نے کہا نا کہ اجتماعی ذکر کرنا, ذکر کی دلیل دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ سارا عمل صحیح ہے, جبکہ حکم باقی عمل کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اجتماع یا اجتماعی جماعت کی شکل میں کرنا یہ غلط ہے. کہ ہمارے سماج میں بدعتوں کے باقی ہونے یا رواج پانے کی بہت بڑی وجہ ہے بدعت کے مفہوم کا واضح نہ ہونا. جیسے میں نے بتایا نا کہ یہ بدعت اضافیہ جو ہوتی ہے, ایسی بدعتوں کو بدعت سمجھنے میں لوگوں کو بڑا تامل ہوتا ہے اور غلط فہمی کی وجہ ہوتی ہے اس کا ایک پہلو شریعت سے مطابقت کرتا نظر آتا ہے, جو دوسرا پہلو مطابقت نہیں کرتا ہے اس کی طرف لوگوں کا دماغ یا ذہن نہیں جاتا ہے. ایسے ہی ایک دوسرا پہلو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں, بہت سارے لوگ کنفیوز کیے جاتے ہیں بعض لوگوں کی طرف سے کہ بھائی پہلے زمانے میں تم جو اونٹ پر سوار ہو کر حج کے لیے جایا کرتے تھے, آج تم ہوائی جہاز سے سفر کر کے جا رہے ہو, بتاؤ یہ بدعت ہے کہ نہیں؟ اگر یہ جائز ہے تو پھر دوسرے اعمال بھی جائز ہیں. آپ یہ مسئلہ سمجھیں کہ یہ معاملہ ہوائی جہاز سے سفر کر کے جانے کو کسی نے دین نہیں کہا, حج دین ہے, لیکن ہوائی جہاز سے سفر کر کے جانا اونٹ کے مقابلے میں ہوائی جہاز سے سفر کر کے جانے کی فضیلت, اس کے اپنے جو ہے اس کو دین سمجھنا کہ نہیں ہوائی جہاز سے ہی سفر کر کے جانا دین ہے, یہ اگر کہیں تب نہ وہ بدعت ہوگی. جب آدمی اسے دین کا حصہ نہیں مان رہا ہے تو پھر وہ بدعت نہیں ہو سکتی. تو نئے کام جو نئے زمانے کی ترقیوں کی شکل میں ہو تو وہ ہماری زندگی کے معمولات کا حصہ ہے, وہ ہمارے دین کے معاملات کا حصہ نہیں. یہ فرق بھی بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا, اور بہت سارے لوگوں کو یہ فرق بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ بہت سارے فقہی مسائل ہیں جو نئے مسائل, جیسے کسی آدمی کو مریض کو خون دینا کیسا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاں تک ہم جانتے ہیں ایسی کوئی ٹیکنالوجی تھی نہیں اس زمانے میں کہ ایک مریض کا خون دوسرے مریض کو دیا جاتا تھا, ایسا ہمارے علم ہے نہیں. تو اب نئے زمانے کا ایک مسئلہ ہے خون دینے کا مسئلہ, یہ بھی نیا مسئلہ ہے دین سے, لیکن یہ بے دلیل نہیں, اس کی اصل شریعت اسلامیہ میں ہے. اہل علم نے شریعی دلائل کی روشنی میں اس کے احکام اور ضوابط بیان کیے ہیں. تو فرق کہاں ہے؟ دیکھیے, یا تو لوگ بدعت کو نہیں سمجھتے, بے دلیل کام دین کے نام پہ کرنا بدعت اصلیہ کو نہیں سمجھتے, یا بدعت اضافیہ جسے کہتے ہیں اس کو نہیں سمجھتے, یا پھر دین کے نام پہ جو کام کیے جاتے ہیں اور دنیاوی جو معاملات ہوتے ان میں فرق نہیں کرتے, یا دین کے نام پہ وہ نئے مسائل جو دین کے نام پر ہیں لیکن ان مسائل کی دلیل قرآن و سنت کے اندر ملتی ہے, یعنی قرآن سنت کے عمومات سے استدلال وغیرہ کرنا, جن کو جو ہے مصلحت مرسلہ کے قبیل سے کہیے, یہ چیزیں, یہ سارے معانی اور مفاہیم لوگ سمجھ نہیں پاتے. مجھے اندازہ ہے کہ میں نے یہ جو آخر میں گفتگو کی ہے آپ میں سے بہت سارے سامعین کے لیے شاید بہت زیادہ واضح نہیں ہے, اس لیے کہ میں نے خود بھی زیادہ وضاحت نہیں کہ میں نے صرف اشارہ کیا. میں بتانا کیا چاہتا ہوں, بتانا یہ چاہتا ہوں, دیکھیے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں شرک نہ کرو شرک نہ کرو شرک نہ کرو, ہم اس پر بہت محنت کرتے ہیں اور ہونی چاہیے کہ وہی دین ہے وہی اصل ایمان ہے, لیکن یاد رکھیں کہ شرک نہ کرو کے ساتھ شرک کی وضاحت ہونی چاہیے کہ کیا کیا شرک ہے اور کیوں شرک ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کہیں غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا شرک ہے, بیان کریں لوگوں کے سامنے آج کس کس کے نام کے جانور کٹ رہے ہیں, اور یہ بھی بیان کریں کہ غیر اللہ کے نام پہ شرک کیوں ہے. مثال کے طور پر آپ بیان کریں یہ جانور ذبح کرنا یہ خون بہانا یہ کسی کی عظمت کا اعتراف کرنا ہے, اور یہ اعتراف کی شکل اللہ نے اپنے لیے خاص رکھی, فصلی لربک وانحر,
یہ اللہ کے لیے خاص ہے. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم شرک سے روکنے والے نہ بنے, شرک سے روکنے والوں کے ساتھ ساتھ ہم شرک کو سمجھانے والے بھی بنے, تبھی تو لوگوں کی سمجھ میں آئے گی بات. وہی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ بدعت کے پھیلنے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں ہم بدعت, اہل بدعت, بدعتوں کی قباحت, بدعتوں کے نقصانات پہ بات کرتے ہیں جیسے ہم نے بھی بات کی, لیکن وہی لوگوں پر زیادہ محنت اس پر ہونی چاہیے کہ بدعت کی حقیقت ہم سمجھائیں. جیسے میں نے کہا بدعہ اصلیہ کیا ہوتی ہے, بدعہ اضافیہ کیا ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے یہ آپ بتائیں کہ جو ہے بدعہ اصلیہ اور اضافیہ کے بعد کب جو ہے دنیاوی معاملات دنیاوی رہتے ہیں, کب وہ دین کا حصہ بن کر بدعت بن جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ نئے دین کے مسائل, گرچہ نئے ہوتے ہیں نئے مسائل جن کا دین سے رشتہ ہے لیکن پھر بھی وہ بدعت نہیں. یہ جو مسائل میں نے کہے ہیں بہت ہی مختصر میں نے کہے ہیں, لیکن آپ اہل علم سے ان مسائل کو سیکھ کر سکھانے اور بتانے کی کوشش کیجئے. آپ یقین رکھیں لوگوں کو, بہت سارے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ بدعت گمراہی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ بدعت ہے. بہت سارے لوگوں کو اس پر اطمینان ہے کہ بدعت نقصان ہے دنیا اور آخرت کا, لیکن ان کو اس پر اطمینان نہیں کہ آپ جس مسئلے کو بدعت بتا رہے ہیں وہ واقعی بدعت ہے, یہ ان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے اس پر, اس لیے کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی ہے, واضح نہیں کی جا رہی ہے. تو میں جو پیغام اس مجلس میں اس حوالے سے دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم اور آپ جہاں بدعت کی قباحت, بدعت کے نقصانات, اہل بدعت کے ساتھ معاملے کے اصول و ضوابط اور ساری باتیں ہم بتاتے ہیں, وہیں اس پر زیادہ محنت کریں کہ بدعت کی حقیقت کو کھول کر واضح کریں, بدعت کی حقیقت کو کھول کر واضح کریں, شرک سے روکیں, شرک کیا ہے بتائیں, اور وہ جو چیز جو شرک قرار پا رہی کیوں شرک قرار پا رہی اس کی وضاحت کریں, بدعت سے روکیں اور بدعت کیا ہوتی ہے یہ بھی سمجھائیں, اور اس شکل میں پائی جانے والی بدعتیں کیا کیا ہیں یہ بھی لوگوں کو بتائیں. اس پر ہم اور آپ کو محنت کرنی چاہیے. مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا, جس سے میں نے کہا آج کے درس میں میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی, میں نے یہ کوئی ارادہ نہیں کیا کہ آپ کے سامنے کوئی ایک نیا موضوع, کوئی ایک جدت لاؤں, کچھ نئی چیزیں لا کر آپ کے سامنے پیش کروں, بالکل نہیں. میں نے جیسے کہا کہ یہ عنوان قدیم ہے, اس سے متعلق بنیادی علم آپ کے پاس خطبات میں, دروس میں, چھوٹے موٹے کتابچوں میں, واعظ و نصیحت میں, آپس کی گفتگو میں, بہت ساری جگہوں پہ آپ نے بدعت کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی ہوں گی. اس لیے علم کے اس مرحلے سے آگے احتساب کے مرحلے میں بھی ہم اس مسئلے پہ گفتگو کریں, اور آج میں نے اسی تناظر میں بات کی ہے کہ ہمارے سماج میں بدعت کے تہیں کہاں کہاں غفلت پائی جاتی ہے. میں نے 5-6 مقامات ایسے کوشش کی کہ وہ آپ کے سامنے لاؤں جہاں بدعت کے تہیں غفلت ہمارے سماج میں پائی جاتی ہے, تاکہ ہم اور آپ خود کو بھی بدعت سے بچائیں اور اپنے سماج اور معاشرے کو بھی بدعات سے پاک کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ خود کو اور پورے معاشرے کو اس سے مستفید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ. ہمارے استاد شیخ ابو سعید عنایت الرحمن حافظہ اللہ سے گزارش ہے کہ وہ شیخ کا شکریہ ادا کریں, بند کر کے چلے گئے, اور سامعین کا شکریہ ادا کریں. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, اور اللہ کا فرمان ہے فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. قرآن مجید کی آیت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے پیش نظر ہم جدہ دعوی سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کی جانب سے سب سے پہلے ہمارے فاضل مقرر فضیلت شیخ عبد الرحاب مدنی حفظہ اللہ کے بے حد مشکور ممنون ہیں. آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے عنایت فرمایا اور بہترین انداز میں بدعت کے متعلق اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کو صحت و پیسے نوازے, اللہ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ آپ کو حاسدین کے حسد سے بچائے, شر پسندوں کے شر سے بچائے,
जहां भी रहें जिस जगह भी रहें अल्लाह ताला आपको मजीद दर मजीद दीन की खिदमत की तौफीक बख्शे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमारे साथ मजीद प्रोग्रामों में शिरकत की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह बहुत मुमकिन है आपके पास वक्त की तंगी होगी, लोग दुनिया भर से आप का वक्त लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के फजल करम से आपने हमें वक्त दिया और इसका हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम उन तमाम असहाबुल फदीला उलमाए किराम दाईयान इस्लाम के भी मशकूर हैं जिन्होंने हमें अपनी कीमती मशवरों से नवाजा। और हम उन माँ और बहनों और भाइयों के भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की ऑनलाइन। तो इसके अलावा दावा सेंटर के जो कारकुन हैं हमारे भाई मुनीर खालिद और उनके फर्जंद भाई बिलाल और भाई अब्दुल अलीम खुसूसियत के साथ, और दीगर तमाम हमारे एडमिन ग्रुप के तमाम साथियों को भी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त अपने कीमती मशवरे दिए। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत वाफियत के साथ रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह हम सबको दीन की खिदमत की तौफीक दे, जिंदगी भर खालिस ईमान और सच्चे अकीदे पर हमको साबित कदम रखे। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। मैं जेडीसी ऑपरेटर से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उन्हें कुछ कहना है तो उसके बाद मीटिंग क्लोज कर लें। अल्लाह ताला का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दो भाई हमारे ग्रुप्स में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज ग्रुप स्क्रीन पर देख लें। मैं नंबर नोट नंबर बोलता हूं जो भाई लिख पढ़ नहीं पा रहे। +9665063670233 +9665063670233 और दूसरा नंबर है +9665075585804 +9665075585804 तीसरा नंबर है +9665061285033 +9665061285033 और हमारी किसी भी ग्रुप में शामिल होने के लिए फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम में शामिल होने के लिए आप जद्दा दावा सेंटर JEDDAHDAWAHCENTER जद्दा दावा सेंटर। और मैंने ये सब चीज़ें शेयर भी कर दी हैं चैट में, तो कोई भाई नहीं लिख पा रहे तो वो प्लीज़ थोड़ा शेयर कर इस तरह ज्वाइन कर लें। मैं दोबारा दो मिनट देता हूँ आप सबको कि जो भाई उन्हें नोट नहीं कर पाए वो प्लीज़ नोट कर लें। और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है तो उसमें इंशाल्लाह आपको डाल दिया जाएगा ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। जज़ाकअल्लाह खैर।
जी जिन्होंने मीटिंग में से डिटेल्स ले ली हैं वो ग्रुप वो लीव कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे को या थर्सडे को इंशाल्लाह मिलेंगे। بالکل میں میٹنگ اینڈ کرتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک انشاءاللہ اگلے درس میں ملتے ہیں